तो आज बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा। तो कर लेते हैं तैयारी। तो 1 लीटर मैंने अमूल का दूध मंगा लिया फुल क्रीम। तो चढ़ा देती हूँ दूध। जैसे गाजर घिसूंगी इतना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। खोआ होता है तो खोआ भी डाल लेते हैं। खोआ नहीं है तो मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है इसमें। जैसे मलाई है मेरे पास वो डाल दूंगी फिर बाद में। तो मैंने 2 किलो 2.5 किलो गाजर ले ली हैं। इनको धो के और साफ कर लिया है मैंने। और दूध जैसे गाढ़ा होने लगा है तो गाजर मैंने घिस ली है पूरी छील के साफ करके और मैंने घिस ली है। अब डाल देती हूँ दूध। गाढ़ा हो गया था मेरा आधा आ गया था तो अब इसमें डाल देती हूँ गाजर थोड़ी थोड़ी करके जैसे डाल के और इसको मिक्स करती रहूँगी। कढ़ाई जैसे छोटी है तो सारी एकदम नहीं आएंगी। थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी और फिर डालती रहूँगी। इसलिए मैंने पहले दूध चढ़ा दिया था इसमें गाढ़ा होने के लिए। जैसे खोआ टाइप का होने लगा था दूध सा गाढ़ा होने लगा तभी मैंने इसमें डाली हैं। तो ज़्यादातर तो डल गई हैं। थोड़ी सी बची हैं वो भी इसमें डाल के मिक्स कर देती हूँ। सीधा ऐसे घिस के बनाते हैं तो टेस्ट अलग लगता है। जैसे हम घिस के और फिर कुकर में एक सीटी मरा के जैसे वैसे ही बनता है जल्दी बन जाता है इससे भी। पर मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। बच्चे कम खाते हैं उसको कम पसंद करते हैं। मैं सीधा ऐसे ही बनाती हूँ कढ़ाई में। ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे खाने। अपने अपने पसंद होती है और अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो सारी गाजर मैंने डाल दी है और अच्छे से इसमें कर दी है मिक्स। और जैसे अच्छी गाढ़ी होने लगी हैं गाजर डालने के बाद। कढ़ाई भर गई थी कढ़ाई भी खाली होने लगी। जैसे पकेंगी वैसे ही कम कम होती चली जाएंगी तो अच्छे से पक जाएंगी। इसमें गैस मैंने सिम कर रखा है। तो जैसे गाढ़ी हो गई थी अच्छे से तो ये मलाई डाल दी है मैंने इसमें। जैसे खोआ नहीं है खोआ होता तो खोआ भी डाल देती तो मैंने इसलिए दूध डाला था ज़्यादा इसमें। तो मलाई डाल दी है। मलाई डाल के मैंने मलाई को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब गाढ़ा होने लगा तो नीचे लगेगा ये तो इसको बार बार चलाना है। तो मलाई को भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दी है। फिर अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब डाल देती हूँ इसमें चीनी। जैसे चीनी कम ज़्यादा मीठा खाते हैं वो अपने हिसाब से डालते हैं। मैं थोड़ा सा बच्चा इसमें मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मैं उस हिसाब से गाजर मीठी होती हैं उस हिसाब से डलता है। गाजर मेरा खूब था मीठी थी तो इसमें थोड़ा सा कम ही मीठा डलेगा। जैसे कम गाजर मीठी होती है तो उसमें ज़्यादा डलता है। तो मैंने ये जैसे कटोरी है आधी से ज़्यादा ली है और ये इसमें डाल दिया है मीठा मैंने। मीठा डालने के चीनी डालने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये जैसे गाढ़े होने लगा है मीठा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है चीनी डालने के बाद। कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देती हूँ घी क्योंकि गाढ़ा हो जाता है उसके बाद नीचे लगने का वो रहता है। तो इसमें घी डाल देती हूँ मैं। फिर नीचे नहीं लगेगा चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इसमें मैंने घी डाल दिया। घी डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेती हूँ। अब अच्छे से बिल्कुल पानी को जैसे दूध है मावा है इसको सुखा लेती हूँ बिल्कुल। अभी तो इसमें और लगेंगे 15-20 मिनट पकने में। पहले तो मैंने सिम करके रख दिया था तो बनता था। बीच बीच में मैंने चेक किया चलाती रही। और मैं अपने बर्तन बर्तन भी साफ़ कर ली जैसे साथ में ही लग के यहीं पर किचन में। अब तो इसको चलाना पड़ेगा। जैसे गाढ़ा हो गया तो नीचे लग जाएगा। गैस को भी मैंने फुल कर लिया है और इसको अच्छे से लेती हूँ पका। और मैंने काजू और बादाम कट कर लिए हैं इसमें डालने के लिए क्योंकि बच्चे किशमिश नहीं खाते। तो 2 दिन रह गए थे मेरे इनको भी मैं काट लेती हूँ। जैसे पकता रहेगा और साथ में चलाती रहूँगी इनको कट कर लेती हूँ। किशमिश कम पसंद है इसमें नहीं डाल के खाते। तो हलवा पक्के का तैयार हो गया था। अब इसमें डाल देती हूँ ये ड्राई फ्रूट काटे हैं ये। कलर कितना अच्छा सा बना है इसका। कितना अच्छा कलर आया। जैसे गाजर बहुत अच्छी थी बहुत अच्छा रस था उनमें। और खाने में बहुत टेस्टी हलवा बना था ये। तो सारे काजू बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं।
और वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड।